चलिए चलिए आगे बढ़िए मैडम। रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपया गिरफ्तार हुई है मैडम एक केस में। ये सब इंस्पेक्टर है, कुछ सुनना बुझना नहीं है, जो सुनना बुझना था हम लोग सुन सर को बुलाओ ना। अभी 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 रुकिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगातार एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। अब जहां एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में जनता का राज है, हम किसी को बख्शते नहीं हैं, किसी भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शते हैं, तो वहीं बिहार के वैशाली जिले में रंगे हाथों घूस लेते हुए एक महिला दरोगा गिरफ्तार हुई है। विजिलेंस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की घूस ले रही थी और रंगे हाथों इन्हें धर दबोचा गया है। करेंगे, आप शांत रहिए, हम आपके गैस को बंद करेंगे, शांत रहिए आप। हम आपके साथ हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। मैडम रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपया गिरफ्तार हुई है मैडम एक केस में। ये सब इंस्पेक्टर है, कुछ सुनना बुझना नहीं है, जो सुनना बुझना था हम लोग सुन सर को बुलाओ ना। अभी 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 रुकिए, यही परिवादी है, इनसे 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए। मैं कोई पैसा नहीं ली हूँ, मैं कोई भी पैसा नहीं ली हूँ किसी से। मैडम मेरा गैस रख लाओ, गैस वैस सब बंद हो गया। चलिए 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 उधर, यहाँ से हटिए, यहाँ से नहीं शैली जिले में एक बार फिर से खाकी बदनाम हुई है। हाजीपुर नगर थाना में तैनात एक महिला दारोगा को पटना विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लंबे समय के बाद वैशाली जिले में विजिलेंस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला दारोगा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वैशाली जिले में एक महिला दारोगा किसी काम को लेकर के एक व्यक्ति से 10,000 रुपए रिश्वत ले रही थी। इसी दौरान मौके पर विजिलेंस की टीम पहुंच गई और महिला दारोगा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला दारोगा का नाम डॉक्टर पूनम कुमारी बताया जा रहा है, जो जिला मुख्यालय के सबसे हॉट नगर थाने में तैनात रहती हैं। दारोगा ने किसी केस में काम को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत ली थी, जिसकी जानकारी विजिलेंस की टीम को मिल गई थी। विजिलेंस की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की, महिला के पास से पैसे भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान महिला दारोगा बार बार कहती रही कि उनसे कोई रिश्वत नहीं ली है, लेकिन विजिलेंस की टीम ने उनकी एक न सुनी और महिला दारोगा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। तो देखिए बिहार में लगातार आए दिन ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आती रहती है, जहाँ किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मी को रंगे हाथों घूस लेते हुए या रंगदारी लेते हुए जो है धर लिया जाता है, नजराना लेते हुए धर लिया जाता है। वहीं अब वैशाली में महिला दारोगा जिनका नाम पूनम कुमारी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों 10,000 रुपए घूस लेते हुए धर लिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।